हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पा। और कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो वीडियो है ये है मेरे गांव का। मैं जा रही हूँ अपने गांव। तो फिर मैं गई थी अप्रैल के महीने में गांव, तो बैसाखी के टाइम पे। हाँ, तो ये वीडियो अब मैं डाल रही हूँ यूट्यूब पे। तो फिर बताती हूँ अपने गाँव के बारे में। ये है उत्तराखंड स्टेट के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो पड़ता है जोशीमठ से कुछ किलोमीटर्स आगे, मतलब जोशीमठ से 16 किलोमीटर अराउंड है ये लाता विलेज। और जैसे कि जोशीमठ का तो सबको पता है। बोलो, ये है बहुत खतरनाक रास्ता। ये है बहुत खतरनाक रास्ता। वो ट्रक जा रहा है। वो आगे निकल गया ट्रक। ओहो, ऊपर बर्फ भी पड़ी है। जोशीमठ से थोड़ा सा पहले ये आता है पैनी बैंड। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंड हैं एक साथ, तो दिख रहा है जैसे बहुत सारे बहुत लंबे लंबे हैं ये बैंड। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे थोड़ा फ़ोटोग्राफी के लिए। तो ये भैया हैं हमारे साथ, और ये है यहाँ का व्यू। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है और मौसम भी साफ़ है। तो इसे मुझसे किसी ने कहा था कि ये सुसाइड पॉइंट है। ये खड़े हम जोशीमठ से थोड़ा आगे। तो मैं बता देती हूँ, जोशीमठ से बद्रीनाथ का रास्ता है जो 1 घंटा 28 मिनट का, तो अराउंड 45.7 किलोमीटर्स होता है वो। और जो जोशीमठ से औली का रास्ता है वो 25 मिनट का है लगभग, तो 10.2 किलोमीटर्स है। और मतलब यहाँ से मेरा गांव तो जाने का रास्ता है ही नीति वैली की तरफ। अरे मैंने वीडियो शुरू कर रही हूँ, खुश हो गए। अरे क्या बोल रहे थे, तपोवन से कुछ ही दूरी पे पड़ती है ये सलधार विलेज। तो यहाँ पे पास में ये गर्म पानी का स्रोत है जो कि सल्फ़र की वजह से होता है, और सल्फ़र के तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं सबको पता है। तो ये यहाँ पे गर्म पानी ये काफ़ी मतलब अब काफ़ी चेंज कर दिया है। पहले तो काफ़ी सिंपल सा था, अब यहाँ पे गेट वगैरह लगा दिया है तो यहाँ पे काफ़ी गर्म होता है पानी। और सल्फ़र के फ़ायदे तो पता ही है ऑलरेडी, और इसकी काफ़ी अजीब स्मेल भी आती है यहाँ पे। तो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है इससे निकलती है, तो उसके वजह से यहाँ पे स्मेल आती है। और जो सल्फ़र होता है वो लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है और ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बीपी वालों को और कोलेस्ट्रॉल वालों को भी। और हाँ, यहाँ की जो मिट्टी है वो स्किन केयर के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, तो लोग यहाँ से काफ़ी लेके जाते हैं अपनी स्किन के लिए। तो आप देख सकते हैं कैसे खोल रहा है यहाँ पर पानी, और आसपास की मिट्टी हो रखी है रेड, ये सल्फ़र की वजह से ही हो रखी है। वाले मेरे गांव, तो मेरे गांव से पड़ता है एक रेनी विलेज, तो ये वहीं का पुल है। और बता देती हूँ मेरे गांव की जो डिस्टेंस है देहरादून से, जहाँ पे मैं करंटली रहती हूँ, देहरादून से 190 किलोमीटर्स है, और हमें लगभग 11-12 घंटा लग जाता है अपनी कार से ट्रैवल करने में। तो ये विलेज रेनी विलेज है, काफ़ी सुंदर है ये भी, और इसके जस्ट बाद आता है मेरा अपना गाँव। और जगह
मेरे गांव पहुंचने से जस्ट पहले पड़ते हैं ये चट्टाने, तो इनमें ऊपर से झरना बहता है, नेचुरल है। तो 3-4 झरने हैं लगातार, तो एक तो सामने दिख रहा है, दूर से काफ़ी कम पानी लग रहा है उसमें, तो चट्टाने बिल्कुल खड़ी, तो काफ़ी टफ लाइफ होती है यहाँ के गांव वालों की। तो दिख रहा है अब ब्यूटीफुल सा व्यू आएगा मेरे गांव से पहले। सामने जो पहाड़ है ना, तोलमा के पहाड़ है, जो चोटियाँ दिख रही है, जो पहुंच गए हैं मेरे गांव। तो मेरे गांव के जस्ट सामने है ये झरना, और ये मेरे गांव की रोड है, और सामने काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। और मेरा गांव फेमस है नंदा देवी के लिए, यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है, तो काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जो कि सिद्ध पीठ है, बनाया गया है आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा। तो काफ़ी पुराना मंदिर है ये, लगा लो शंकराचार्य के टाइम का मंदिर है, उन्होंने खुद से बनाया है, तो इस वजह से काफ़ी श्रद्धालु आते हैं गांव में। तो अभी बैसाखी के टाइम पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे होते हैं फंक्शन वगैरह होते हैं गांव में, तो फिर बस वही सब देखने के लिए और अपने गांव को देखने के लिए जा रही हूँ मैं। तो मैं ईयरली जाती रहती हूँ अपने गाँव में, तो अभी आजकल आई हूँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ और ये भैया दीदी लोगों के साथ। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा मेरा, और होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और पहुंच गए मेरे गांव, तो ये रोड के किनारे लोगों के घर है। वैसे मेरे गांव जाने के लिए तो ऊपर काफ़ी चढ़ाई है, पैदल जाना पड़ता है, लगभग मतलब आधा एक घंटा लग जाता है चढ़ाई है खड़ी, तो कोई आधे घंटे में चला जाता है, कोई एक घंटा लग जाता है, किसी को 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो 1-1.5 किलोमीटर हमें पैदल जाना ही पड़ता है ऊपर रोड से ऊपर की तरफ, और मंदिर भी ऊपर की तरफ ही है। पहुंच गए हैं मेरे गांव, तो ये है रास्ता, पैदल रास्ता जो हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। तो कुछ फ़ोटो है वो डाली है मैंने, और अपने गांव का व्यू वगैरह। तो ये मेरा गांव है, काफ़ी मतलब अच्छा लगता है अभी, और फ़ोटोज़ डालूंगी मैं।